everyone, welcome to Cook India YouTube channel sponsored by Makkhan Marke और मैं हूँ आपका शेफ आशीष। तो आज की जो हमारी डिश है उसका नाम है क्रीमी मशरूम पास्ता। वेरी इजी रेसिपी, सब कुछ जानते हो आप, बट स्टिल मैं अपने थोड़े से इनपुट उसके अंदर डालना चाहता हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट डिश है एंड मशरूम इज माई फेवरेट वेजिटेबल। एंड सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या इंग्रीडियंट है। वी हैव फुसली पास्ता, बेजिल, सम चीज, मशरूम्स, गार्लिक, अनियन, हर्ब बटर, थोड़ा मैदा, ऑरिगेनो, क्रीम। तो ये नॉर्मल इंग्रेडिएंट है जो सारे घर में अवेलेबल होंगे अभी, और हम इसको इजीली एक अच्छे से डिश पुल आउट कर सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट अस स्टार्ट विद द मेजर रेसिपी। सो आई विल स्टार्ट विद सम हर्ब बटर। हर्ब बटर इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ ताकि इसका जो फ्लेवर हो थोड़ा सा और एनहांस है। ध्यान रखना थोड़ा सा आपको बटर को, मैंने आप देख सकते हैं मैंने हर्ब बटर इसके अंदर यूज करा है जो कि हमने सबसे पहले बनाया था। अब इसके साथ मैं इसके अंदर हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा रिफाइंड ऑयल ऐड करूंगा सो दैट बटर जो है वो ब्राउन ना हो और इसको जलाए ना। अब इसके अंदर आई विल पुट सम गार्लिक और उसको खाली सौते करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि इसका कलर चेंज ना हो। हल्का सा डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है अनियन। अनियन और गार्लिक को कलर चेंज होने नहीं देना और हर्ब बटर के साथ थोड़ा सा सौते करना है। अब मैं डाल रहा हूँ मशरूम, रॉ मशरूम है, 1/4 काटा हुआ मैंने, दीज आर बटन मशरूम। मशरूम शेफ कई लोग बोलते हैं दे गिव एलर्जी और दे आर पॉइजनस। कई पहले जमाने में जब हमें मशरूम्स के बारे में इतना पता नहीं था सो दे वर कॉल्ड पॉइजनस एंड कई लोगों को एलर्जी है, ऐसा नहीं होता। बट अगर आप देखोगे जिससे मैंने इसके अंदर पहले गार्लिक डाला है तो स्टार्टिंग में भी लोग पहले गार्लिक इसलिए डालते थे क्योंकि अगर गार्लिक और मशरूम को एक साथ डालोगे तो अगर मशरूम पॉइजनस होगा तो इट विल टर्न आउट ब्लैक, तो इसलिए हम उसके अंदर गार्लिक डाल देते हैं। और हमें इसको सौते करना है टिल द टाइम मशरूम अपना वाटर छोड़े और अपना जो क्या कहते हैं फ्लेवर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मशरूम ने अपना थोड़ा सा वाटर कंटेंट लूज करा है और यही जो इसका रस्टिक ब्राउन कलर है एंड रस्टिक फ्लेवर जो आ रहे हैं वो हमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें मशरूम को आराम से सौते करना चाहिए और इसके अंदर इसका जो थोड़ा सा वाटर रेसिड्यू है उसको निकालना चाहिए। नॉर्मली क्या है क्रीमी मशरूम सॉस में लोग वाइट सॉस बनाते हैं और वाइट सॉस को अलग बनाते हैं, पर मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इसके साथ ही हम कैसे विदाउट मेकिंग अ वाइट सॉस हम इसको थिक कर सकते हैं और इसकी फ्लेवर वैसे के वैसे ही इंटैक्ट हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात इसके अंदर जो मैंने करा है, मैंने आपको सबसे पहला चीज़ सिखाई थी दैट वॉज हर्ब बटर, तो मैंने इस डिश में भी हर्ब बटर का यूज़ करा है। इससे पहले जो मैंने एक काठी रोल बनाया था उसके अंदर भी मैंने आपको हर्ब बटर का यूजेज दिखाया, तो आप ये देख सकते हैं खाली एक चीज़ से हम कितनी और चीज़ें बना सकते हैं। तो काफ़ी हद तक हमारा वाटर कंटेंट कम हो गया है इसके अंदर। सो इस स्टेज पे व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड बिट फ्लावर टू इट। ध्यान से हमें ऐड करना है एंड वी नीड टू गिव इट अ स्टर। आप देख रहे हैं सारा वाटर कंटेंट इसमें ले लिया, थोड़ा सा हल्का सा हमें इसको पकाना है इस फ्लावर को ताकि ये ज़्यादा कच्चा ना रहे। आप देख सकते हैं सारे मशरूम एक साथ इंटैक्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल रहे हैं फुल क्रीम मिल्क और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। तो आप देख सकते हैं विदाउट व्हाइट सॉस बनाए हुए हमने इसके साथ ही एक सॉस रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं कितना थिक हो रहा है। अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा और मिल्क इसके अंदर ऐड करें। अब मिल्क ऐड करने के बाद
लेट अस प्रिपेयर द सॉस फर्स्ट. इसके अंदर हम फ्रेश क्रीम है हमारी अमूल की, वी आर यूजिंग दैट. आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सॉसी हो गई है और काफी अच्छी लग रही है. और वील एड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर टू इट, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारी जो पास्ता की सॉस हो वो थोड़ी कोटिंग कंसिस्टेंसी की हो. तो हमारी सॉस ऑलमोस्ट रेडी है. अब इसको थोड़ी फ्रेशनेस देने के लिए भी हम इसके अंदर हाथ से तोड़ के जो बेजल लीव्स हैं हाथ से तोड़ेंगे. हम इसको चॉप नहीं करेंगे, हम इसको हाथ से तोड़ेंगे. थोड़ी सी फ्लेम को लो करिए और इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड करने की जगह जब आपको लगेगा थोड़ी सी थिक हो रही है जस्ट ऐड मिल्क टू इट. शेफ, ये जो बेजल है ये कौन सा बेसिल है? आई मीन ये जो हम होम ग्रोन है, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, ये कौन सा बेसिल है? ये होम ग्रोन बेसिल नहीं है, इस इटालियन बेसिल. होम ग्रोन नहीं कह सकते क्योंकि जो हम इंडियन तुलसी यूज करते हैं वैसे रिलीजियस तुलसी एंड वो हम टी वगैरह में यूज कर रहे हैं, जो उसका फ्लेवर है थोड़ा सा पंजन फ्लेवर रहता है. बट ये जो बेसिल हम यूज करें जैसा स्वीट बेसिल, तो इनकी और उस दोनों की टेस्ट में थोड़ा सा फर्क है. अब वील एड सॉल्ट टू इट. सॉल्ट थोड़ा ध्यान से ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले इसके अंदर बटर यूज करा हुआ है एंड द बटर वाज सॉल्टेड. नाउ अ हीप ऑफ चीज टू इट. मुझे मालूम थोड़ा सा हैवी बन रहा है बट व्हाइट सॉस है, मशरूम पास्ता है, तो थोड़ा सा हैवीनेस तो बनती है. अब ऑलमोस्ट मेरी सॉस रेडी है. नाउ आई नीड टू ऐड माय पास्ता टू इट. I'll add pasta and some oregano to it. हमारा बस सॉस इतनी होनी चाहिए, it should cover up our pasta, उससे ज्यादा नहीं. तो हमारा पास्ता इन क्रीमी मशरूम सॉस इज रेडी. जो नॉर्मली पास्ता होता है आपने मार्केट में खाया वो थोड़ा सॉसी रहता है, बट अगर आप इटली में जाएंगे या कोई फाइन डाइनिंग में खाने खाएंगे तो वहाँ पे पास्ता खाली कोटिंग देता है, सॉस पे खाली कोटिंग देती है और कुछ नहीं. तो हमें भी वैसे ही रखना है. अगर आप चाहते तो थोड़ी सॉस और बढ़ा सकते हैं, बट मुझे अपने पास्ता में सॉस खाली कोटिंग कंसिस्टेंसी चाहिए होती है. तो हमारा पास्ता ऑलमोस्ट रेडी है एंड आई विल पुट अ फ्रेश बेजल लीफ ओवर इट. आई विल पुट सम ब्लैक पेपर एंड आवर पास्ता इज रेडी. सो हमारा क्रीमी मशरूम पास्ता रेडी है और आप उसको खा सकते हैं. तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए कुक इंडिया विच इज स्पॉन्सर्ड बाय मक्खन मार्केट. एंड आपका शेफ आशीष फिर आपको वादा करता है कल मैं फिर आऊंगा और एक नई अच्छी सी रेसिपी सिखाऊंगा जो आप घर बैठे बैठे इन लॉकडाउन डेज में बना सकते हैं. सो टिल देन हैव अ गुड डे.